हे गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कांचन। तो गाइस, आप देख रहे हो कोकन सीरीज़। और कोकन सीरीज़ में आपने पहले देखा कि मालवन बीच पे हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, बहुत ही ज़्यादा। वहाँ पर हम लोगों ने स्पोर्ट्स किए थे, वाटर स्पोर्ट्स, तो इसी वजह से हमारा वहाँ पर कोकन का लास्ट डे था। और कोकन का लास्ट डे हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और वहाँ से हम लोग मालवन से निकल चुके थे यहाँ पर कोल्हापुर आने के लिए। और कोल्हापुर और मालवन के बीच में जो हाईवे है, तो उस हाईवे पे हम लोगों ने खाना वगैरह खाया था। पिछले ब्लॉग में आपने देख ही लिया है। और उसके बाद हम लोग रात को पहुँचे यहाँ पर कोल्हापुर में। और कोल्हापुर में पहुँचने के बाद हम लोगों ने यहाँ पर स्टे किया। उसके बाद सुबह उठे, सुबह हम लोगों ने नहा धो के फिर रेडी होके हम लोग आए हैं यहाँ पे दर्शन करने। तो ये है कोल्हापुर का लक्ष्मी माता का मंदिर, और बहुत सुंदर, मतलब पुराना है बट बहुत सुंदर मंदिर है। तो यहाँ पर हम लोग ग्रुप फोटो ले रहे थे, इसी वजह से यहाँ पर खड़े थे और सब लोगों ने सेल्फीज़ वगैरह यहाँ पर ली। फिर हम लोग अंदर गए लक्ष्मी माता का दर्शन करने। और हम लोग फर्स्ट टाइम आए थे ना, तो इसी वजह से हम लोगों को इतना ज़्यादा पता नहीं था। बट पूछते पूछते अंदर गए और फिर पता चला कि यहाँ पर लाइन वगैरह लगानी पड़ती है। और अंदर जाके देखा तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी यार, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। तो देखा लाइन लगानी पड़ती है और बहुत लंबी लाइन थी, तो हम लोगों ने लाइन वगैरह लगाई। उसके बाद अच्छे से लक्ष्मी माता के दर्शन हुए और बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके। मतलब लास्ट में हम लोगों ने कोल्हापुर और दुर्गापुर रखा था, मतलब दर्शन के लिए, क्योंकि आप सभी को पता है मेरे छोटे भाई की नई शादी हुई है ये वाले, तो इसी वजह से उनको दर्शन कराने के लिए लाना ही था। और एक न्यू कपल थे हमारे साथ, तो वो ग्रीन साड़ी वाली और रेड शर्ट वाला उसके हस्बैंड, तो वो भी थे। तो इसी वजह से अब मतलब उन्होंने भी कहीं गए नहीं थे, वो भी मतलब कोरोना में ही उनकी शादी हुई थी, इसी वजह से हमें दर्शन करने के लिए लेना ही था। तो इसी वजह से ये जो दो स्पॉट है तो हमने वो रखे थे हमारे ट्रिप में, कोकन के ट्रिप में। लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और वैसे भी हम लोग यहाँ पर आए नहीं थे, कोई भी यहाँ पर आया नहीं था, तो इसी वजह से हम लोगों के दर्शन भी हो जाते, अच्छा लगा यहाँ पर आके। और अगर आपने कोल्हापुर देखा है तो आपको पता ही होगा कोल्हापुर का मंदिर। और कौन कौन यहाँ से मुझे देख रहा है कोल्हापुर से, ये कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। और कोई कोल्हापुर के आजू बाजू से भी देख रहा होगा तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पर बस हम लोगों ने हार वार ले लिए थे, हार ले लिए थे, कमल के फूल ले लिए थे लक्ष्मी माता को चढ़ाने के लिए। बट वहाँ पर चढ़ाने नहीं देते हैं, वो अलग बात है, बट हमारी श्रद्धा थी। और प्रसाद वगैरह भी ले लिया था। और आप देख सकते हो कितनी लंबी लाइन है, मतलब ऐसे कितना टाइम हमें इसमें ही लगा, मतलब लाइन में लगते हुए ही लगा। और इतना सुंदर मंदिर है यार, बाहर से तो अच्छा मंदिर है ही बट अंदर से भी बहुत अच्छा मंदिर है। लक्ष्मी माता की मूर्ति भी बहुत ही अच्छी है, तो वहाँ पर तो शूट करने नहीं देते, तो इसी वजह से आप बाहर का ही नज़ारा देख लीजिए, क्योंकि अंदर तो मंदिर में शूट करना अलाउ नहीं है इसी वजह से। और बस यहाँ पर हम लोग दर्शन कर लेंगे, उसके बाद निकल जाएंगे तुर्जापुर के लिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने लक्ष्मी माता के दर्शन किए, उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा नाश्ता वगैरह किया क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। सुबह वहाँ पर होटल में सिर्फ हम लोगों ने चाय पी थी, उसके बाद कुछ भी नहीं खाया था। और हम लोग दर्शन करने के लिए आ गए थे, उसके बाद दर्शन वगैरह करने के बाद हम लोगों को इतनी ज़्यादा भूख लगी थी कि कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए था, क्योंकि रात को आप लोगों को पता है रात को सिर्फ हम लोगों ने वहाँ पर मालवन और इसके कोल्हापुर हाईवे पे खाना खाया था। और वहाँ पर भी हम लोगों ने अच्छे से खाना नहीं खाया था, फिर यहाँ पर नाश्ता वगैरह किया। किसी किसी का फास्ट भी था, तो फास्ट वालों का जो कुछ लेना था वो लिया। और उसके बाद हम लोग तुर्जापुर के लिए निकल गए। और तुर्जा भवानी माता के भी दर्शन बहुत ज़्यादा अच्छे हुए हैं, मतलब वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा जाके। तो ये ना मंदिर की एंट्रेंस है, यहाँ से आपको मंदिर में जाना पड़ेगा और वहाँ से आपको थोड़ा सा अंदर जाना जाके फिर आपके दर्शन होंगे। और बाहर से भी आपको दिखाई देगा, मतलब मुख दर्शन जो बोलते हैं ना, सिर्फ आप मुख दर्शन भी कर सकते हो अगर आपको इतनी लाइन में नहीं लगना है और दूर से आपको दर्शन करने हैं सिर्फ, तो आप वो भी कर सकते हो। जैसे कि यहाँ के जो लोग हैं जिन्हें मतलब डेली आते हैं वो, तो वो मुख दर्शन करके भी जाते होंगे कुछ कुछ लोग। मतलब इतनी लंबी लाइन में खड़े रहना ना पड़े इसी वजह से, तो मुख दर्शन भी यहाँ से हो सकता है। और अंदर लाइन लग के भी आप जा सकते हो, मतलब पूरा आप नज़ारा देख सकते हो मंदिर के अंदर का, तो वो भी होता है। तो इसके बाद दर्शन वगैरह करने के बाद ना सब लोग अलग अलग चले गए, किसी को कुछ नहीं पता था यहाँ का, तो इसी वजह से सब लोग अलग अलग चले गए। हम भी भटक गए थे और इतनी प्यास लगी थी ना, तो हम लोगों को ये होटल दिख गया, तो यहाँ पर हम लोगों ने आइसक्रीम लस्सी वगैरह ली। बहुत ज़्यादा प्यास लग गई थी, तो प्यास के चक्कर में हम लोग यहाँ पर आए थे और आइसक्रीम लस्सी ली। और हम बहुत ज़्यादा मन कर रहा था, धूप बहुत थी यार, हम लोग इतने टाइम से वहाँ पर खड़े थे ना,
लाइन में, तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा भूख भी लगी थी और प्यास भी लगी थी। तो यहाँ पर हम लोगों ने वही आइसक्रीम लस्सी ली, आइसक्रीम लस्सी खाई, फिर उसके बाद हम लोग नाश्ता करने के लिए गए पूरी फैमिली के साथ। फिर नाश्ता किया, उसके बाद फिर वही मंदिर में अंदर घूमे। तो यही चक्कर में हम लोगों को टाइम हो गया यहाँ पे। तो ये वाला जो शॉप है यहाँ पर काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, बट थोड़ी सी महंगी है, मतलब हमारे साइड से थोड़ी सी महंगी लगी मुझे। होता ही है जहाँ पर ये टूरिस्ट वगैरह आते हैं ना, तो यहाँ पर महंगा ही रहता है सब कुछ, तो इसी वजह से थोड़ा सा महंगा लगा। बट बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे शोपीस थे, सब कुछ अच्छा था, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे भी। आप भी देख लीजिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको भी। यहाँ पर हम लोग एक्चुअली ऐसे ही खड़े थे, हमारे जो बस है, मतलब क्या बोलते हैं, हमारी जो ट्रैवलर है वो उधर खड़ी थी। तो ड्राइवर भैया को कॉल किया था हम लोगों ने इधर आने के लिए, तो यहाँ पर ऐसे ही खड़े थे हम लोग, वेट कर रहे थे। तो मुझे एक स्कार्फ बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, तो ये वाला स्कार्फ मैंने लिया है। ज़्यादा महंगा नहीं था, 80 रुपीज़ का ही था, तो बहुत अच्छा लगा था, तो इसी वजह से ले लिया मैंने। और फिर हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से तुलजापुर जाने के लिए। फाइनली हम लोग पहुंच गया है तुलजापुर। आप देख सकते हो तुलजापुर का बाहर का नज़ारा, तुलजापुर के मंदिर का बहुत ज़्यादा अच्छा नज़ारा है, दूर से ही आपको लाइटिंग दिख जाती है बहुत। और ना हम लोग यहाँ पर बहुत लेट पहुँचे थे, तो इसी वजह से हम लोगों को लगा था कि पता नहीं अभी दर्शन हो पाएंगे या नहीं हमारे, बट लकीली हमारे दर्शन भी हो गए और वो भी बहुत अच्छे से हो गए। तो हम लोग बहुत ज़्यादा भाग दौड़ कर रहे थे यहाँ पे, बट लकीली हमारे दर्शन बहुत अच्छे से हो गए यहाँ पे। और हाँ, पास वगैरह हम लोगों को लगा था कि पहले ही ऑनलाइन पास वगैरह लेनी पड़ेगी, बट कुछ नहीं, यहाँ पर कुछ ऑनलाइन पास वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। और वो भी जो पास लेते हैं वो फ्री होती है, तो यहाँ पर जाके जहाँ मतलब ऑन द स्पॉट जाके आपको ये जो है क्या बोलते हैं पास, वो लेनी पड़ेगी, और वो भी फ्री में मिलती है, ऐसा कुछ उनको पे नहीं करना पड़ता है। तो फ्री पास आपको वहाँ पर मिलेगी और वो पास लेके आपको वहाँ पर दिखाना पड़ेगा, थोड़ी सी प्रोसीजर है, बट कोई नहीं यार, थोड़ा सा करना ही पड़ता है। अभी सिचुएशन भी बहुत ख़राब है, तो इसी वजह से वो आपको थोड़ा सा करना ही पड़ेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा चमक धमक है यार, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। बहुत लेट हो गया था फिर भी बहुत ज़्यादा फ्रेश लग रहा था। तो हम लोगों ने यहाँ पर दर्शन किए, और ये जो पास है आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको पास के लिए लाइन लगानी पड़ती है और यहाँ पर आपको फ्री में पास दी जाती है। तो आपका थोड़ा सा स्कैन करना, मतलब जैसे आँखों को स्कैन करते हैं और उसके बाद आपको वो पास देते हैं आपकी। तो यहाँ पर पास लेने के बाद हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से, और ये है मंदिर जाने का रास्ता।
तो यहाँ से सीढ़ियाँ है, यहाँ से सीढ़ियाँ आपको उतरनी पड़ेगी और फिर आपको वहाँ से मंदिर के अंदर जाना पड़ेगा। तो आपको मैं आगे आगे दिखाई देती हूँ कि कैसा है मंदिर। बहुत सुंदर लगा यार मुझे ये मंदिर भी। बहुत पुराने मंदिर है ये, आप देख सकते हो पत्थर के मंदिर है। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये पत्थर के गाय के मुँह से आपको यहाँ पर पानी निकलते हुए दिखेगा। बहुत अच्छा लगता है यार ये सारा नज़ारा। और नीचे पूरा पानी ही पानी है, जैसे कि आपके पैर भी धुल जाते हैं और आप जैसे हाथ वगैरह धोना चाहते हो, हाथ सिर पे लगाना चाहते हो, तो ये सब कुछ होता है यहाँ पे। और वैसे आप मंदिर में जा रहे हो तो थोड़ा सा हाथ पैर धो के जाओ तो मतलब थोड़ा सा ऐसे लगेगा आपको कि यार चलो थोड़े से साफ हो गए हम, तो इसी वजह से यहाँ पर पैर वगैरह धुल लिए। फिर उसके बाद हम लोग निकल चुके हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। और मंदिर के अंदर का यहाँ पर भी वैसे ये सेम कि मंदिर के अंदर का शूट नहीं कर पाऊँगी। और ये है मंदिर की एंट्रेंस, जो मेन एंट्रेंस है वो, और ये मंदिर का नज़ारा अंदर का। बस यहाँ पर दर्शन करने के बाद हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से। और जोरों की भूख लगी है यार, बहुत जोरों की भूख लगी है। अब कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे सब, तो हम लोग ढूंढ ही रहे थे कि अच्छा सा कोई रेस्टोरेंट दिख जाए या कोई ढाबा वगैरह दिख जाए हमें, वहाँ पर हम लोग रोक सकते हैं खाना खाने के लिए। तो एक फाइनली हमें एक अच्छा सा होटल दिख गया, तो वहाँ पर हम लोगों ने रुका दी थी खाना खाने के लिए गाड़ी। बस यहाँ पर हम लोगों ने हमारा ऑर्डर दे दिया था तो उसका ही वेट कर रहे थे। और बच्चों के लिए दाल खिचड़ी मंगाई थी क्योंकि बच्चों का इतने रात को खाने का मन नहीं कर रहा था, तो इसी वजह से उनके लिए दाल खिचड़ी मंगा ली थी। तो उनकी वो ऑर्डर आ गई थी और हमारा, हम लोग वेट कर रहे थे ऑर्डर का, तो हमारी आनी बाकी थी इसी वजह से। और बस यहाँ पर ही इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, लाइक करे बिना मत जाना। और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, उसके बाजू में एक बेल आइकॉन आएगा उसे ऑल पे क्लिक करना ताकि मेरे सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और उसे आप सबसे पहले देख पाओ। और हाँ, इसके अलावा मेरे दो और चैनल हैं, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप इंस्टा पे एक बार ज़रूर चेक करना, वहाँ पर आपको बहुत अच्छे अच्छे फोटोज़ और वीडियोज़ देखने के लिए मिलेगी यहाँ के। तो आप वहाँ पर ज़रूर एक बार चेक करना, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ज़रूर वहाँ पर फॉलो करना। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल। बस अभी पूना पहुँचने के बाद मिलती हूँ आपसे।